लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो गया है ऐलान। भिंड पुलिस ने चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए निकाला आज फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भिंड पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर पुलिस कप्तान हर्षित यादव तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के नेतृत्व में आज शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों को यह संदेश दिया कि लोकसभा चुनाव में शरारती तत्वों द्वारा अगर कुछ भी गड़बड़ी की जाएगी या विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का जरा भी प्रयास किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिंड पुलिस ने संदेश दिया कि पुलिस द्वारा यह जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है इसके जरिए लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया। लोगों से अपील की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में भी आगे आकर प्रशासन का व पुलिस का सहयोग करें। यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से होते हुए जे रोड होते हुए गोरी किनारे होते हुए शहर के विभिन्न गलियों से होकर गुजरा। जैसे ही भारी तादाद में पुलिस बल और बीएसएफ को शहरवासियों ने देखा तो पहले तो डरे हुए थे कि इतनी सारी पुलिस हमारे शहर में पैदल फ्लैग मार्च क्यों निकाल रही है। धीरे धीरे पता चला कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस ने शहर में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला है। हर अपडेट देखने के लिए प्रमोद के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि आज आचार संहिता हो चुकी है और लोकसभा इलेक्शन चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। 7 मई को तीसरे चरण में हमारे यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, जिसमें हमारे भिंड जिले में CRPF की 141 बटालियन की कंपनी आई हुई है और आज पुलिस लाइन से लेकर माधवगंज घाट होते हुए सदर बाजार होते हुए समापन कोतवाली पर किया गया, जिसमें 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। अभी शेष कितनी कंपनियां और बुलाई जा सकती हैं चुनाव? अभी इसका अभी निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन आगामी जैसे भी हम मांग करेंगे उस हिसाब से कंपनी।